और 2022 में जो हमारे कथित बाबा जी हैं है ना, उनको मठ में भेजने का काम 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, और 2024 में जो हमारे फकीर हैं इनको गुजरात में भेजने का काम देश की जनता करेगी। ये देश और खासतौर पर किसान आदरणीय मोदी जी को गंभीरता से नहीं लेता है। बिना कागज के कुछ भी नहीं होता है। तो हम भी अपना कागज मांग रहे हैं, कागज हमें संसद से चाहिए। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी सरकार से बहुत दुखी है। तमाम जो कृषि कानूनों को लेकर लगातार खुद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह सुबह मन की बात करने आते हैं। 9 बजे वो पूरे राष्ट्र को संबोधन में अपने कहते हैं कि मैं अपने किसान भाइयों को इस बिल के बारे में नहीं समझा पाया। वो उस तीनों के काले कानूनों को वापसी लेने की बात करते हैं। इसी बीच में तमाम जो लोग थे, तमाम जो वक्तागण थे, तमाम जो जनता थी, और खासतौर पर किसान आंदोलन में बैठे हुए तमाम जो लोग जो लगातार इस आंदोलन को एक देशव्यापी आंदोलन बनाने का कहीं ना कहीं जिम्मा था उनके ऊपर, तो उन्होंने भी, मैं जनता के बीच में जाने का मैंने प्रयास किया, मैंने देखा वहाँ पर वो नाकुश थे। कारण जो समझ में, मुझे जितने समझ में आए वो कह रहे थे, उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे थे जिन पर बात नहीं हुई। इसी सब चीज़ों को समझने के लिए मैं इस वक्त गाजीपुर पर हूँ। मेरे साथ कुछ वक्ता है, मैं उनकी भाषा में, उनकी शैली में जानने का प्रयास करूँगा कहाँ का सर रह गई। जी सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर है, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। सर, 19 नवंबर को ऐतिहासिक आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आता है, वो कहते हैं मैं अपने भाइयों को, कृषि भाइयों को, किसान भाइयों को समझा नहीं सका, मैं इस बिल को वापसी लेता हूँ। क्या लगता है इसके अलावा भी और मुद्दे थे, जनता नाखुश है, क्या लगता है कहाँ का सर रह गई? देखिए, पहली बात तो ये देश और खासतौर पर किसान जी आदरणीय मोदी जी को गंभीरता से नहीं लेता है। इसके पीछे कारण ये है कि इनके जो पहले जो चुनावी वादे थे, चाहे वो 15 लाख खाते में आने का मामला हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का मामला हो, इनके मंत्रियों ने सिर्फ बयान दिया, सार्वजनिक बयान दिया कि वो हमारा चुनावी जुमला था। अब किसान भी ये समझ रहा है कि कहीं जो इनके 3 कृषि कानून वापस लेने का जो इनका इन्होंने मीडिया के सामने आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये कहीं चुनावी जुमला ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, अन्य राज्यों में चुनाव है। तो इसको बहुत गंभीरता से ले नहीं रहा, क्योंकि और इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी के। तो देश का किसान अभी हिलने के मूड में नहीं है। फिर इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा हमारा यह है कि MSP पे कानून कब बनेगा जी, एक विषय। नंबर 2, ये मीडिया पर आने से कुछ नहीं होने का है। जब तक देश का संविधान, देश का जो संसद है वो कानून बना के इसे पास नहीं करती है, तब तक हम एक साधारण सा विषय मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैं हाईस्कूल पास हूँ, हम कहते हैं अपना मार्कशीट दिखाओ। बिल्कुल, बिना मांगते, बिना कागज के कुछ भी नहीं होता है। तो हम भी अपना कागज मांग रहे हैं, और कागज हमें संसद से चाहिए। सर, इन सब मुद्दों के अलावा भी देश में जो भी इस वक्त मुद्दे घट रहे हैं, खुद हमने कुछ समय पहले ही मैंने देखा SC ST OBC जो लगातार इस किसान आंदोलन को भी मजबूत बनाने का काम कर रहा था, उनका योगदान हम नहीं भूल सकते। तमाम देश के, भारतवर्ष के लोगों ने देखा। यहाँ पर एक घटनाएं निकल के आती है कि जहाँ जहाँ BJP के जो शासित राज्य हैं, जहाँ पर BJP की सरकार है, वहाँ पर वो लोग कानून व्यवस्था विफल हो गई। हमने मध्य प्रदेश रीवा में देखा, मजदूर का हाथ काट दिया जाता है, SC समुदाय के मजदूर का हाथ काट दिया था मजदूरी मांगने पर। इससे पहले सर लखबीर हत्याकांड, क्या लग रहा है सर, किस तरह की मंशा एक पर्टिकुलर समुदाय को दबाने की? जी, मैं ये कहता हूँ SC ST और OBC का जो आपने जिक्र किया वो तो है ही है। मैं आप यहाँ के उत्तर प्रदेश में जो कि हमारे मठ के महंत जी आ गए वहाँ पर शासन करने, योगी जी, उनके राज में देखिए ब्राह्मणों का क्या हाल है। मैं तो कह रहा हूँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी सरकार से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और 2022 में बाबा जी को मठ में, और दो जो हमारे कथित बाबा जी हैं है ना, उनको मठ में भेजने का काम 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, और 2024 में जो हमारे फकीर हैं इनको गुजरात में भेजने का काम देश की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अपने वक्तव्य शेयर करने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वक्ता हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को खुद अपनी भाषा में, अपनी शैली में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को तय करना होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।